दोस्तों, आज मैं गाड़ी में बैठा बैठा एक बात सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को काला ही क्यों दिखाया जाता है। मैंने जितनी भी कहानियां सुनी है, जितने भी गीत भजन सुने हैं, वो सब में भगवान श्री कृष्ण को काला बताया जाता है। और भाई अभी के जो हालात है ना, जो गर्मी पड़ रही है, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान श्री कृष्ण धूप में घूमा करते थे, गायबा चलाते थे, धूप में निकल गए, उसकी वजह से काले हुए होंगे, उनका जलम काला नहीं हुआ होगा। लगता है कोई एक्सीडेंट वगैरह का केस है या फिर कोई नेतागिरी का केस है, ये तो नहीं पता, पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है और किस वजह से है कुछ पता नहीं चल रहा भाई यहाँ पर। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, रात रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, नहा धो के रेडी हैं। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे साथ पता नहीं पिछले 2-3 दिनों से क्या हो रहा है। सुबह तो मैं अपने नियम से जैसे रोजाना निकलता हूँ वैसे ही ब्लॉग की शुरुआत कर देता हूँ, लेकिन भाई दोपहर होते होते मेरे हौसले पस्त हो जाते हैं और ब्लॉग पूरा नहीं हो पाता। परसों पहले दिन भी ऐसा ही हुआ था, मेरे पेट में दर्द हो गया था तो ब्लॉग नहीं हो पाया, और कल फिर से दोबारा से ऐसा ही हो गया। मैं घर से निकल के गया था, गाड़ी चलाई, एक दो चक्कर लगाई, तब तक ब्लॉक किया, और दोपहर के लगभग 11:30 बजते पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया दिमाग की, बिल्कुल भी ब्लॉक करने का ध्यान ही नहीं रहा। मतलब गर्मी के मारे ये हालत हो रखी है, पसीने पोंछते पोंछते और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अभी तो हालात ऐसे है यहाँ पर मथुरा में कि जो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है कि 12 से लेकर 4 बजे तक अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है, तो घर से निकलो ही मत। बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, कल का लगाओ आपको लगभग 46 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान था, और ऊपर से जो क्या बोलते हैं उसको उमस भयंकर लेवल की थी। ऐसा लग रहा था बैठे बैठे ही हाँफ रहे हों, बहुत भयंकर हालत हो गई है। पर क्या करें भाई, गरीब आदमी अगर घर में बैठ जाएगा तो परिवार कैसे चलाएगा, अपने घर के खर्चे कैसे चलाएगा। तो मजबूरी में मेरी तरह जितने भी इस देश में भाई जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, सबको अपना अपना काम धंधे पर जाना पड़ता है सुबह निकल के, अब कुछ हो या ना हो। और बंसी वाले से यही दुआ करके निकलता है, हर आदमी को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसी दुआ के साथ हम भी अपने दिन और अपने ब्लॉग दोनों की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। मैं और मेरी महिंद्रा ट्रियो दोनों तैयार है, तो निकलते हैं यहाँ से, एक नया दिन शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि लोग बहुत जल्दी स्किप मार जाते हैं, तो जो भी जानकारी देनी है शुरुआत में बता देता हूँ आप लोगों को। भाई मेरे से बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं मथुरा में घूमने आने के लिए बेस्ट टाइम क्या है, तो भाई अभी तो नहीं है, अभी 9 जून तक अगर आपका प्रोग्राम बना हुआ है तो कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हालात रहने वाले हैं, इसी लेवल की गर्मी रहने वाली है। तो 9 जून के बाद ही आने का प्रोग्राम बनाए भाई, अच्छा रहेगा। अभी बहुत भयंकर गर्मी है मथुरा में भाई, पता चला कि आप घूमने के इरादे से आए हो यहाँ के बीमार पड़ गए, क्योंकि इस लेवल की गर्मी तो हमसे भी नहीं झेली जा रही, जबकि हम यहाँ रहने वाले हैं और आदत हो जाती है धीरे धीरे आदमी को एक जैसे माहौल में रह के, और भयंकर है भाई। तो आप में से किसी का प्रोग्राम है 9 जून से पहले का तो उसे टाल दीजिए, 9 जून के बाद ही आइएगा। अगर गवर्नमेंट कह रही है तो इसके पीछे शायद रीजन होगा, कोई ना कोई बारिश आने वाली होगी, बारिश होने के बाद थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा। अब आप लोग ये मत बोलिए कि भैया आप तो चल रहे हो ऐसी गर्मी में भी, भाई मेरी मजबूरी है, मुझे परिवार चलाना है, घर की जिम्मेदारियां निभानी है, तो मुझे तो निकल के आना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए कोई मजबूरी नहीं है, आप घूमना आना चाहते हैं तो ऐसे मौसम में आइए जब शांति हो, मौसम अच्छा हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो वही बेस्ट रहेगा। और आपसे बात करते करते हम मथुरा जंक्शन तक आ चुके हैं, तो अपने काम धंधे में लगते हैं, अगर कोई सवारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। कभी कभी ना दोस्तों ऊपर वाले में बड़ी गुस्सा आती है भाई, कि जितनी मेहनत गरीब आदमी करता है उसको उस हिसाब से रिजल्ट कभी नहीं मिलते, और कभी कभी तो रिजल्ट क्या शुरुआत भी नहीं हो पाती है उसकी कुछ भी। तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाला कुछ ज़्यादा ही कठोर होता है हम जैसे लोगों पे, वरना जिस गर्मी में लोगों को घर से ना निकलने की सलाह दी जा रही है उसमें हम लोग मेहनत करने में लग रहे हैं, फिर भी अपने जो सर्वाइवल होता है उसकी लड़ाई दिन रोज लड़नी पड़ती है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हाँ कोई अगर मेहनत करने में लगाए तो ज़्यादा नहीं तो उसको 2-4 महीने की सिक्योरिटी तो मिलेगी, हाँ भाई अगर 1-2 महीने काम नहीं कर पाया तो उसमें ज़िंदगी आसानी से चल जाएगी। कोई सिक्योरिटी नहीं होती हमारे जैसे लोगों की यार। आज ना भाई यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे एक बात सोच रहा था कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है उनको काला क्यों बताया जाता है, क्योंकि जितनी भी कहानियाँ हैं सब में सांवरे काला या फिर डार्क रंग का ही भगवान को दिखाया जाता है। भाई अभी जो हालात चल रहे हैं ना गर्मी की,
उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो काले साथ जन्म से नहीं होंगे, ऐसी गर्मी में घूमने के कारण काले हुए होंगे। दोस्तों आज मैं गाड़ी में बैठा बैठा एक बात सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को काला ही क्यों दिखाया जाता है। मैंने जितनी भी कहानियां सुनी है, जितने भी गीत भजन सुने हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण को काला बताया जाता है। और भाई अभी के जो हालात है ना, जो गर्मी पड़ रही है उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान श्री कृष्ण धूप में घूमा करते थे, गायबा चराते थे, धूप में निकल निकल गए, उसकी वजह से काले हुए होंगे, उनका जन्म काला नहीं हुआ होगा। ऐसी गर्मी में कोई भी काला हो जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो भी तो हमारे जैसे इंसानी रूप में ही थे। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ रे? मैंने हमने कहानी सुनी है भगवान श्री कृष्ण काले थे, मुझे ऐसा लग रहा है इस गर्मी में घूमते होंगे इसी वजह से काले हो गए, है ना। पहले एसी वगैरह या पकड़ वो तो थे नहीं, और ऊपर से गैया वैया चराते थे धूप में, तो शायद उसी वजह से काले हुए होंगे भाई। ओला तो शुरू हो गए, जाड़ेल में जैसे तैसे चमका में मोड़े, गर्मी आते ही सब कुछ फेस उड़ा देती है। हालत टाइट है भैया गर्मी की वजह से। अभी मैं सुबह ही आपसे कह रहा था कोई घूमने फिरने की सोच रहा था भाई, 9 जून तक तो बता ला सरकार बता रही है, और जो मौसम विभाग है वो भी बता रहा कि 9 जून के बाद शायद बारिश आ जाएगी, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा तब आला, वरना अभी तो पिघल गए ना तो रोड से खींचना पड़ेगा भाई। जितनी भी ये गाड़ियाँ आपको दिख रही है ना सामने, इन्हें बोलते हैं हम लोग डग्गे मार, जो घूमते ही रहते हैं घूमते ही रहते हैं। और जो इस साइड से आपको लाइन से लगी खड़ी है, ये खड़े हैं ठेके में, तो ये इन दोनों में जो हम जो लाइन से लगे हैं और ये डग्गे मारों में अक्सर झगड़े होते रहते हैं यहाँ पे, खासतौर से उस समय पे जब सवारियाँ कम हो, जब कोई सवारी निकलती है सारी की सारी गाड़ियाँ घूम के उधर पहुँच जाती है, अपने तक आ ही नहीं पाती। देखिए भैया, इतनी लाख कोशिश करने के बाद हमें एक सवारी नहीं मिली, रिजल्ट यही हुआ कि चुपचाप एक छाया के नीचे जाके गाड़ी को लगा लो, शांति उसी में है। ये तो डग्गेबारी कर रहा था, इसका नंबर नहीं आया तो मैं तो साइड में खड़ा हूँ, मेरा कहाँ से आया। पहले बहुत सारे चोर लगे हुए लाइन में। कितनी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6 और 7, पूरी की पूरी गली को पैक करके रखा हुआ बाइक में भाई। और कुछ एडवांस भी आ गई है, ये देखिए एक और बाइक लेके आ रही है 3 पहिए वाली, मेंटल भी है, मेंटल सी है, मेंटल है, हैं हैं छोरी बता के तो जा, भाग गई। लो भाई घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही भीड़ भाड़ सी लगी हुई है, लगता है कोई एक्सीडेंट वगैरह का केस है या फिर कोई नेतागिरी का केस है, ये तो नहीं पता, पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और किस वजह से है कुछ पता नहीं चल रहा भाई। यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं जो कुछ तो हो रहा है भाई यहाँ। पता करेंगे, ये तो लड़ाई झगड़ा था हो रहा भाई। आज ना दोस्तों जब शाम के टाइम में मैं घर से निकल के आ रहा था मथुरा जंक्शन की तरफ, पहले तो धौलीपा में झगड़ा होता हुआ मिला, मैंने रुक के उस झगड़े के बारे में जानने की कोशिश भी की थी, तो दो दुकानदारों के बीच में झगड़ा हो रहा था, फिर वहां से निकल के मैं आ गया मथुरा जंक्शन। और भाई मथुरा जंक्शन आते के साथ ही यहाँ पे हंगामा मचा हुआ था, लगभग 50-60 सवारियां थी जिनको वृंदावन ले जाने के लिए होड़ बची हुई थी। तो मेरे दोस्त है, एक तो राजकुमार और एक है पंडित जी महाराज, दोनों के दोनों ने जैसे ही मेरी गाड़ी देखी ना तो मुझसे बोला इधर आ जाओ सवारियों के पास, तो हम लोग लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, गाड़ी लगा दी मैंने भाई उनके साथ में, तो हम लोग 5-6 गाड़ियों में भर के उनको ले गए थे, सॉरी 7-8 भी हो सकती है क्योंकि गिनती मैंने भी नहीं की। तो उन सवारियों को अभी अभी छोड़ के हम वृंदावन से वापस आए मथुरा जंक्शन पे। आज भी अच्छा माहौल है, कल भी अच्छा था, और उम्मीद है कि भाई जैसे छुट्टियाँ पड़ी है माहौल अच्छा ही चलेगा, हालांकि गर्मी बहुत है। पर भाई सॉरी है कि आप लोगों को यहाँ आने के बाद मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं कर पाया था, और एक चीज़ के लिए और सॉरी है, आज का IPL मैच था तो मैंने भाई आपका डाटा बचाने के लिए आज कोई ब्लॉग डाला नहीं था। आई होप ये IPL का आज का फाइनल आप इन्जॉय कर रहे होंगे। वैसे आपको जानकारी दे दूं, अभी टाइम हो रहा है फिक्स 8 बजे हुए हैं, मैंने अभी तक जो मैच देखा था उसमें KKR ने 3 विकेट ले लिए थे सनराइजर्स हैदराबाद के, और भाई उम्मीद है कि आज का मैच कोलकाता ही मारेगी। आज
मुरारी ने ढोकला बनाया। अच्छा, और मैंने मटर पनीर बनाया। अच्छा है मम्मी, खाया मम्मी ने तुमने कछु? दोनों बढ़िया। चलो बढ़िया। आज घर में ढोकला और मटर पनीर बना है। ढोकला दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मेरे छोटे भाई मुरारी के हाथ का ढोकला है। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को। ढोकला भी चेक करेंगे, मटर पनीर भी चेक करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा गया है मेरा। कल सैटरडे था, पर सैटरडे से भी अच्छा दिन गया है। उसकी वजह आपको पता ही है, शाम के टाइम में जो वृंदावन के चक्कर लगाना, उसकी वजह से दिन में जान आ गई मेरे में। सुबह के टाइम में भी मैंने 2-3 चक्कर लगाए थे, लेकिन नोकल के लगे थे, वृंदावन वगैरह नहीं मिला था। शाम को वृंदावन की जो कसर रह रही थी वो भी पूरी हो गई। और भाई घर में आने के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा खुशी बढ़ी। पहले तो मेरे छोटे भाई मुरारी ने ढोकला बनाया था। मेरे घर में बनाना सब कुछ जानते हैं, बस बनाते नहीं है। कभी कभी उनकी इच्छा होती है तभी अलग सा खाना बनता है। मैडम ने हमारी ने मटर पनीर बना के रखा हुआ था। पेट कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गया है, गर्मी का माहौल है, मिर्चियाँ बहुत तेज थी मटर पनीर में, तो वो सारे तोते उड़ा रखे हैं। तो ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, दिन अच्छा गया है। और भाई छोड़ो यार, इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।